उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बोलते हुए कहा, जाति क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। उनके इस भाषण को बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। बांदा जिले के त्यौहार पर पटाखे फोड़ने के कॉम्पिटिशन में बारूद से भीषण आग लग गई। इस भयंकर दुर्घटना में 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकान मालिकों का कहना है कि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सीआईए वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने 2021 में मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था और अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रखा था। अब उन्होंने अपनी जाति बदल ली है और ब्राह्मण के बाद वे अब ठाकुर बन गए। उन्होंने अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर कर लिया है। बीजेपी और सपा के बीच जारी पोस्टर वॉर के बीच ओम प्रकाश राजभर ने रिएक्ट किया है। उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा सिर्फ बड़ी बड़ी बात करती है, काम सिर्फ यादव का करती है। सपाइयां विपक्ष में बैठकर सिर्फ पोस्टर ही लगवा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछले दिनों मथुरा मंथन के दौरान हुई मुलाकात के बाद मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म है। जी हां, क्या संघ अब योगी को अचानक महत्व देने लगा है? पर यह कितना सही है, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला की पहली दीवारी पर बालक राम ने जहां पीताम्बर धारण किया तो वहीं उनके विशेष मिठाई भी अर्पित की गई, जिसे अमेरिका की ब्लूबेरी, यूरोप के हेजलनट के अलावा ममरा, बादाम और केसर से भी तैयार किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हम ऐसी ताकतों को बहकावे में आ गए तो उन्हें मौका दिया जाएगा कि वे फिर से गुंडागर्दी करेंगे और दंगे करेंगे। यूपी उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया पोस्टर राजभवन चौराहे समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से जाने वाली सड़क पर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नौवीं खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश की प्रशंसा आध्यात्मिकता, इतिहास और आधुनिकता के मिश्रण के रूप में की है, जिसे पवित्र नर्मदा नदी का आशीर्वाद प्राप्त है। राज्य की प्रगति की कामना करते हुए उन्होंने बाबा महाकाल के आशीर्वाद की प्रार्थना की और मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन का उल्लेख भी किया है। दिवाली के दिन कानपुर की शीशामऊ सीट से समाजवादी प्रत्याशी नसीम सोलंकी का अलग अंदाज देखने को मिला है। वह वनखेड़ेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए हैं।